गुड इवनिंग दिसबल स्टडी स्टार्ट और आज की शाम में आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूँ इस शाम के समय हमारे बाइबल अध्ययन में वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी स्टडीज और इस अध्ययन में आप सबका स्वागत है एंड इट इज माय होप एंड प्रेयर दैट ऑल ऑफ यू आर रेगुलरलीफिटेड आप सब जो निरंतर इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हुए हैं आप आशीषित हो रहे हैं और इस वचन के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पिछला मनन जो हमने किया था वो इस विषय में था कि कैसे एक सेवक अगवे या पाजवान के पास वो अधिकार है कि कलीसिया के द्वारा उसका आर्थिक रूप से वो अपने सहयोग को प्राप्त कर मिनिस्टर और क्योंकि एक अगुआ एक पाजवान एक सुसमाचार प्रचारक भी दूसरे मनुष्यों के समान एक मनुष्य है और उसके पास भी वही आवश्यकता और ज़रूरतें हैं जो दूसरे आम मनुष्यों के पास है सो एवरी वन इन और इसलिए हर एक के पास का ये अधिकार है कि वो अपनी उस व्यवसाय उस काम से खाने का अधिकार रखता है जिसमें वो लगा है एंड सेवकाई का मतलब है प्रोत्साहन देना शिक्षा देना और शिक्षक और परमेश्वर के वचन का प्रचार करना एंड ही नीड्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उसे आत्मिक जितनी आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है उतना ही उसे शारीरिक रूप से शक्ति की आवश्यकता है और आज की शाम हम पहला कुर थी नवे अध्याय पहले वचन से लेकर छठे वचन तक में हम इस बात को अध्ययन करेंगे सो so, Will read this और आइए जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ कृपया कर कर आप अपने बाइबलों में मेरे संग इस वचन की ओर ध्यान लगाइए क्या मैं स्वतंत्र नहीं क्या मैं प्रेरित नहीं क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है क्या हम खाने पीने का अधिकार क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिरे और अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं या केवल मुझे और बारनबस को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ देंट and enlighten us that we may understand Paul's argument. और होने दे पवित्र आत्मा हमारे मनों को प्रकाशित करे और हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को समझने पाए. In this 6 verses और इन छह वचनों में there are 3 questions and answers given by the apostle Paul. उस प्रेरित के द्वारा छह तीन सवालों को पूछा जाता है और उन तीन सवालों के प्रति Paulus उत्तर भी his needs met. और इन प्रश्न और सवालों के जरिए या द्वारा पॉलुस इस बात को दर्शाना चाहता है कि सच में उसके पास यह अधिकार है कि वो अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा to have a wife to minister with him एंड नॉट है और उसकी ये भी जरूरत के विषय में वो बात करता है कि कैसे उसके पास ये अधिकार है कि वो भी एक शादी कर कर पत्नी को रख सकता है और कैसे वो भी शारीरिक रूप से परिश्रम उसे करना है एंड और सातवें वचन में um, he uses फर्दर स्ट्रेंथन हिस आर्गमेंट अपने सातवें वचन में वो कई प्रकार के मानवीय उदाहरणों को देता है ताकि वो अपनी जो पहली बात आज की शाम हमें जाननी है इफ एवरी सोल्जर गोज टू वॉर विद नीड मेट वाई कैनोट फॉल है जब हर एक सैनिक लड़ाई के लिए जा सकता है अपनी हर एक जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करके तो क्यों नहीं पॉलिस भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे एंड इफ इट इज एक्सपेक्टेड कैन नरिश हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन प्रोड्यूस और जबकि ये भी सही बात है और आशा लगाते हैं लोग कि एक किसान अपनी खेती से खुद को पालन पोषण कर सकता है

शीफ और अगर एक चरवाहा भेड़ों को चराते समय उनका दूध पीता है वाई कैनोट पॉल बी फेड फॉर टेंडिंग टू हिस फ्लॉक दॉलुस क्यों नहीं अपने उन भेड़ों को आत्मिक रूप से चराने के द्वारा उनसे अपने अधिकार को या अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और उसका मतलब है परमेश्वर की भेड़ गॉड्स फ्लॉक आर दर द बिलीवर्स और परमेश्वर की भेड़े हैं वो विश्वासी बिलीवर्स हु मिनिस्टर हु और क्यों नहीं वो विश्वासी या कलीसिया उन सेवक को रगवो का सहयोग करे उनकी सहायता करे आर्थिक रूप से जो उनको आत्मिक भोजन खिलाते हैं 8, और वचन में पॉल पॉल इट वेरी क्लियर इस बात को बड़ा स्पष्ट कर देता नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अस्डम की वो मानवीय बुद्धि या समझ से सिर्फ नहीं बात कर रहा और कुछ लोगो हो सकता है इस बात का दोष उस पर लगाए ये कहते हुए क्योंकि उसने अपने पिछले उदाहरण में कुछ मानवीय उदाहरणों का प्रयोग किया था प्रोसीडेड अव स्टेप फर्दर और उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए टू लिंक हिस्स पॉइंट विद डि ट्रूथ उसने अपनी बात को उस स्वर्गीय सच्चाई के संग जोड़ा एंड लीगल जस्टिस और वो न्यायिक रूप से जो न्याय उसे मिलना चाहिए फॉर इट इज रिटर्न इन द लॉ ऑफ मोस उट दंसर्न क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बाधना क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है सो द इम्प्लीकेशन इज और इस बात से ये समझ में आता दिस राइट अधिकार की एक सेवक या अगुवा सेम थिंग परमेश्वर का वचन भी इसी बात को बताता है द कोटेशन इज फ्रॉम ड्यूटर ट्वेंटी फाइव फोर और जिस बात को लिया गया है व्यवस्था विवरण चौबीसवा अध्याय पांचवा वचन जहां पर इस विषय में कहा गया या बताया गया है कि कैसे एक बैल की चिंता करनी है या कैसे जब वो जोतता है खेतों को उसके संग कैसा व्यवहार रखना uh, मनुष्य के अधीन उसकी सेवा करता है एंड देयर फॉर मैन इज एक्सपेक्टेड To feed the oxen. So the, the 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 law of nature and the law of God and the and, and in, in any way you look at it, a minister is has the right to be supported by the people. among whom he minister. और इसलिए एक सेवक के पास ये अधिकार है कि वो उन लोगों के से अपने आर्थिक सहायता को सहयोग को प्राप्त करे जिनके बीच वो सेवा करता है. The conclusion in the Paul says the conclusion is this. अपोलोस कहता है इसका निष्कर्ष निश्क, यह है. These things are said to be written entirely and most certainly

परमेश्वर के सुसमाचार का सेवक अगवा या पासवान उसे परिश्रम करते रहना है और बड़ी आशा के संग परिश्रम करना है एंड गॉड विल रिवॉर्ड हिज होप और परमेश्वर उसकी आशा को पुरस्कारित करेगा गॉड विल सी टू इट दैट द मिनिस्टर shall partake of his hall. और परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सेवक या वो अगवा वो पासवान जिस आशा को रखे है उसमें सहभागी बने. God will see to it that the minister has the necessities of life. और परमेश्वर इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि उस सेवक के पास उसके जीवन की जरूरतें आवश्यकताएं जो हैं उसको मुहैया कराए. And now let us now go on to verses 10, 12, 13 and 14. और आइए अब आगे बढ़ते हुए हम उस बारह तेरह और चौदहवें वचन पर बढ़े and जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वह मंदिर में से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो पॉइंट और पॉलुस अपनी बात को निरंतर जारी रखे हुए है Another point. उस इन में एक दूसरे बात को साबित कर रहा है हुईट की किसके पास वो पहला अधिकार है द मिनिस्टर हैज द राइट टू बी द फर्स्ट पर्सन सपोर्टेड बाई द चर्च और उस सेवक के पास वो पहला अधिकार है कि वो उस कलीसिया के द्वारा सहयोग पाए या उसकी सहायता की जाए right अगर दूसरों के पास अधिकार है कि उनका सहयोग किया जाए is, और उसी कलीसिया के द्वारा जहां पर वो सेवक सेवा कर रहा है right और खास रीति से उसी तब तो उस सेवक के पास वो पहला अधिकार है कि वो उस कलीसिया से अपना सहयोग पाए

एडिक्यटली निग्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ एडिक्यूटली सपोर्टिंग हिम और सोचिए एक कलीसिया के विषय में है जो सही रीति से उसको सहयोग करने की बजाय उसको तिरस्कार कर रही है

दपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर इज नॉट टू बी अब बाई आ द चर्च और बाई द मिनिस्टर और जो कल एक सेवक का या पाजवान या अगवे का सहयोग है आर्थिक सहायता है उसका शोषण ना तो कलिसिया या किसी और को करना चाहिए फॉल डि नॉट डिमांड एनी सपोर्ट पॉलिटि व पॉलिस ने किसी भी प्रकार के सहयोग या उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जब वो कुरंत की कलिसिया में था। he says he all उसने कहा कि उसने हर एक बात को खुद सहयोग किया और उनकी पूर्ति करी। करीडर उसने भूखे के पन में वो रहा एंड और, और दूसरी प्रकार की कमियों में उटल्ड और बड़े चुपचाप और शांत रीति से उन सारी मुश्किलों और दुखों से निकला बिना उनके विषय में इसका मतलब था इस विषय में उसने किसी को भी नहीं बताया बिकॉज देर वर सैम दोष लगा सकते थे कि वो सांसारिक रीति से सोचता और बींग इन द मिनिस्ट्री ओनली फॉर मनी या वो सिर्फ सेवा में है उस पैसे के खातिर और

असफल बनाया द दर्च डिड नोट फॉल्ट कलीसिया ने पॉलुस का रख रखाव नहीं किया उसकी चिंता नहीं की और ना तो उसकी सुधीली एस इट शुड है जबकि ऐसा उन्हें करना चाहिए था Imagine his suffering. और सोचिए उसके दुखों के विषय में सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड और सोचिए वो भूखेपन में उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था ऑल दीज थिंग्स ने फॉरिस्टर टू बी इफेक्टिव क्यूँकी ये सारी बातों की आवश्यकता है की एक सेवक सही रीति से सेवा कर पाए And yet, के विश्वासियों ने इन बातों की चिंता नहीं करी इसलिए नहीं कि उनके पास नहीं था But it is simply because some people there did not like him and uh, they may have influenced others not to care for him टू तो सिर्फ इसलिए था कि कुछ लोगों ने पॉलिस को उस कलीसिया में पसंद नहीं करते थे और उन्हें दूसरों को प्रभावित किया कि वे भी उसके प्रति किसी भी रीति से सहरा उसे सराए ना या उसका सहयोग ना करें। जबकि पॉलस इन सारे उदाहरणों का प्रयोग कर रहा है वो किस, वो किस बात को साबित करना चाहता है द लॉर्ड हिमसेल्फ हैज ऑर्डेन्ड That ministers live of the gospel. ये तो परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा है अपने वचन में की एक सेवक सुसमाचार से जी लाइक like जैसे एक चरवाह अपने भेड़ो के द्वारा अपने जीवन का अपनी खेती से के द्वारा अपनी पूर्ति करता है In the same way, इसी रीति से the gospel, the minister of the gospel must live by the gospel. This is God ordained. और ये तो इसी रीति से परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई सच्चाई है कि सुसमाचार सुनाने वाले की जीविका उस सुसमाचार के द्वारा ही हो. And this is सुप्रीम अथॉरिटी और ये उच्च अधिकार परमेश्वर से है लॉर्ड हिमसेल्फ ये परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा है and two references, please note down. और कृपया करके दो वचन मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें the लिख लीजिए मैथ्यू चैप्टर टेन एंड टेन मत रचित सुसमाचार उसका दसवा अध्याय लुक इन वैक और आइए इस वचन की ओर हम देखें

ना तो सोना ना रूपा और ना तो तांबा रखना मार के लिए ना झोली रखो ना दो कुर्ते ना जूते और ना लाठी लो क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए 10 verses 7 and 8. we read here and remain in the same house eating and drinking what they provide. for the laborer deserves his wages. do not go from house to house. एंड वेन एवर यू एंटर यू उसी घर में रहो और जो कुछ मिले वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए घर घर ना फिर नो ना। वे so is is, और यहाँ यहाँ पर पॉलिस किस बात को कहना चाहता है राइट टू मेक द जजमेंट अबाउट रिसीविंग not. और उस सेवक के पास वो अधिकार है कि वो इस बात का न्याय करे कि क्या वो अपनी मजदूरी लेना चाहता है या नहीं so, इसलिए फिर से हम पहला की पत्री अध्याय की ओर लौटते हैं. वचन. Good. परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए थे um, लेकिन ने इस इस बात को इस बात को को निर्णय लिया, ठाना कि वो की कलीसिया से कोई मजदूरी नहीं लेगा दिस सिंपली हिज स्ट्रेटजी विद कोरिंथियंस ये तो सिर्फ उसकी एक योजना थी उस कुरंत की कलीसिया के लिए इट एनेबल्ड पॉल टू फेस के पास ये अधिकार और हिम मिला कि वो अपने शत्रुओं का सामना करने पाए और उनके विरोध में या उनको जवाब देने पाए अपने अधिकार के प्रति जब वो उसके ऊपर दोष लगा सकते थे सुसमाचार को पैसे के लिए वो सुनाता है इस विषय में पॉल मेक्स इट वेरी क्लियर दैट हिज पर्पस वॉज नॉट टू मेक दम करिंडियंस टू सपोर्ट हिम बट टू टीच दम how to treat their ministers. और पॉलुस इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से बताता है कि उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इन बातों को लिखने के द्वारा वो कुरंत के विश्वासियों को प्रभावित करे कि वो उसका अधिकार उसे दे और उसकी मजदूरी दे बल्कि उन्हें समझाए और शिक्षा दे कि कैसे कुरंत के विश्वासियों को परमेश्वर के सेवकों और अगवों का आ, को संभालना और उनकी पूर्ति करनी है द लॉ ऑफ क्राइस्ट इज दैट मिनिस्टर्स Are to be supported by people of God. और परमेश्वर का या मसीह की व्यवस्था या कानून तो यही है कि परमेश्वर के सेवक और अगुओं को उसके विश्वासियों के द्वारा सहयोग पाना है पहला तिमोथी थी उस पांचवा Timothy सत्रवा वचन फर्स्टमतीन says. जो जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे वचन सुनने और सीखने में परिश्रम करते हैं दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। Hebrews chapter 13 वर्स 7। और इब्रानियों की पुस्तक उसका तेरहवा अध्याय और सत्रवा वचन

डि प्रिंसिपल और ये एक व्यवस्था का सिद्धांत है जो स्वर्गीय रूप से स्थापित किया गया है कि एक सेवक को परमेश्वर के विश्वासियों के द्वारा अपना सहयोग अपना जैविका पाने का अधिकार है इन द चर्च ऑफ टूडे और आज के दिन की कलीसिया में

पहली कुरंत की पत्री उसके नवे अध्याय में हमें पौलुस के दोनों तर्कों को समझने की आवश्यकता है मैनी क्लैमर फॉर लार्ज सैलरी बिकॉज इट। और कई अच्छे वेतन और की uh, मांग करते हैं क्योंकि वो उसके योग्य है यू नो दैट वर्ड क्लैमर मीन्स दे

वेतन लेने से इंकार कर दिया so और ये आज के दिन की समस्या है There are also others in the church who support और ऐसे में हैं जो बड़े uh, थेस मन के साथ और कुड़कुड़े मन के संग सहयोग करते हैं वे नॉट इंटेंडेड बाई पॉल और एक दूसरे तरीके से वो चाहते हैं कि उनका अगवा उनका प्रचारक या सेवा करने वाला एक दास के समान उनके बीच रहे जो कि पॉलस ने यहाँ पर इस इस बात को नहीं कहा पीपल नीड टू रियलाइज लोगों को ये समझना है दैट मिनिस्ट्रीज आर हाईली कॉल्ड ऑफ गॉड कि वे परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की एक उच्च बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हैं हैड दे राइटली डिजर्व देयर ड्यू और उनका जो जेवी जीविका है उसके प्रति उनका ये पूरा अधिकार है कि वो उसे पाए गाड कि वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहे और वो दूसरे सारे मौके और इच्छाओं को त्याग दे सर्वेंट ऑफ गॉड और बाहर निकल आए कि वो परमेश्वर के दास बनने पाए सो यू मस्ट कंसिडर दैट और इसलिए आपको इस बात के विषय में सोचना है कई सारे पासवान कई सारी कलिसिया बहुत अच्छी रीति से योग्य है वर्ल्ड देन मच मोर देन वस अगर वो सांसारिक रीति ऐसी नौकरियों को करे तो जो उन्हें कलिसिया से सहयोग मिलता है उससे कहीं ज्यादा वो कमा सकते हैं सो लेट नो चर्च गिव एनी सैलरी एनी पे टू द मिनिस्टर ग्रेडली एंड एक्सपेक्ट द पास्ट टू बी दे सर्व एंड और इसलिए कोई भी कलीसिया अपने अगु अपने पासवानों या सुसमाचार प्रचारकों को ऐसे कुड़कुड़ाहट या उस विरोधी मन के संग वेतन ना दे बिकॉज दे डिस बाइबल न्यू टेस्ट में बीस्ट रेड देव डबल ऑनर क्योंकि जैसा हमने पढ़ा वो दुगने आदर के योग्य हैं। एंड है सर्वेंट ऑफ गॉड गॉड विल ऑनर दम एंड एंड ब्लेस दम और इसलिए वे जो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं परमेश्वर भी उनका आदर करेगा और उन्हें सफल बनाएगा समृद्ध करेगा वी शुड नॉट फॉर गेट टू रिम्बर दिस ग्रेट और हमें इस महान सच्चाई को भूलना नहीं है when you are a minister of the gospel, जब आप एक सुसमाचार प्रचारक का सहयोग करते हैं you are ऑनरिंग God, आप परमेश्वर का आदर करते हैं Remember that, इस बात को याद and God will honor you. और परमेश्वर आपका आदर करेगा So let's be generous and very understanding when it comes to supporting. और इसलिए होने दे हम बड़ी उदारता के संग और बड़े अच्छे मन के साथ परमेश्वर के सेवकों का सहयोग करें उनकी जीवकाई का अधिकार उन्हें दे एंड मे द लॉर्ड द होली स्पिरिट और होने दे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर इस बात को बनाएं your mind और आपके मनो को प्रकाशित करे टू अंडरस्टैंड वाइंड ताकि आप समझ नहीं पाए उस बात को जो Paul उस कह रहा है सम मनी फ्रॉम द कोरिंडियंस वो किसी भी प्रकार के दबाव को नहीं बना रहा था ना ही किसी भी रीति से पैसे को उनसे निकालना चाहता था अरे drawing their attention to god's law वो टू तो से तो सिर्फ उनके उस व्यवस्था उस कानून की ओर उनके ध्यान को सीखना खींचना चाहता था और सिखाना चाहता था की एक सेवक के पास अधिकार है की वो अपनी जीविका की उस समाचार से पाए गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दें एड मे गाड्स इंस्ट्रक्शन बी टेकन सीरियसली और परमेश्वर के निर्देश को हम बड़ी गंभीरता से ले और उनका अभ्यास अपने जीवनों में करें आई the दार्ट ऑफ द मिनिस्टर और जो अगवो और सेवकों का भाग है gospel of Jesus Christ and the people to whom. जहाँ तक अगवो का विषय है उसका जुनून वही परमेश्वर की सेवकाई, लोगों के बीच उसका सुसमाचार का प्रचार और उन विश्वासियों के प्रति होसन हमारेउट we'll और हमारे अगले अध्ययन में हम इस विषय में बात करेंगे। डोन्ट so और इसलिए इन बाइबल अध्ययनों का भाग बनने से नाचार्स यू

What we need to do for the glory of God. और इसलिए जीवनों में बना रहने पाए ताकि हम उस रीति से चलने और अभ्यास करने पाए जैसा वो सिखाता है Let our giving be with joy and with generosity and with rejoicing. होने दे हमारा देना आनंद और उदारता और प्रसन्न मनो के साथ As we are giving to the God जैसे हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते थैंक यू धन्यवाद जी यीशु के नाम, Amen. नाम God's blessing be upon all ब्लेसिंग you। परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो। and have a गुड नाइट और एक अच्छी रात्रि आप सबका बीते आमेन आमेन